नाजिर मु मोहतरम अल्लाम वरमक सुबह वतन के साथ एजाज अहमद हाज खत है क़ुरान मजीद जिसे हमने किताब वाब समय रखा है किताब हिदायत है किताब शफ़ा है इसकी आयात बैन दिलों को रोशन करती हैं आइए रोशनी के हसूल के लिए इतमास करता हूँ मोहतरम कारी अहमद यार हक्कानी साहब से अर सब क्या हाल है आप? अल्लाह ताला ने आपको खास एक ये खूबी इनायत की है कुर मजीद पढ़ना और फिर उसको अच्छा पढ़ना ये बड़े एजाज़ की बात है तिलावत कला पाक फरमाई بسم الله الرحمن الرحيم <applause> أفحسبتم أن That मोहतरम आइए दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान मजीद का हकीकी फहम नसीब फरमाए दुआ कबूल होती हैं जब उसका कलाम पढ़ा जाता है सुबह वतन सुबह का वक्त उठने का वक्त दुनिया के जागने का वक्त चह चाहते परिंदे सदाएँ देते हैं सुबह हो गई है कहाँ हैं शहर के मकीन वो बेखबर उठे नहीं चला सितारा शहर सुना के सुबह की खबर सुबह खेजी ऐसी बड़ी शादतमंदी है जल्दी उठना और मसनून अमल है रसूल रहमत अलैहि वसल्लम बहुत जल्द उठ जाया करते थे सुबह तलो होने से पहले आफ्ताब रिसू हुआ करता था आइए हम आज इसी बात से आगाज़ करते हैं वो जो तखिर से उठने वाले हैं गुजारिश है तालब इन की ज़रा जल्दी उठ कर देखिए चढ़ते हुए सूरज को देखिए और चहचहाते परिंदों को सुनिए ये गीत आपकी रूह को बेदार कर देंगे और फिर बेदारी के आलम में अपने मालिक के सामने सजदाय शुक्र बजा लाना ये बड़ी ही एक अजीम इनायत है अल्लाह इज़्ज़त की और आज का प्रोग्राम भी हमारे लिए अल्लाह ताला की खास मेहरबानी और इसकी इनायत है कि हमें आज मयसर हैं मोहतरम हमारा जो पहला सेगमेंट है असद महमूद सल्फी साहब मौलाना मैं आपको खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जजा खैरतः फरमाएँ बड़ी खुशगवार यादें हैं आपसे एक मुलाकात ही आज आप तशरीफ़ लाए हैं और मैं समझता हूँ कि आप हम इस्ते करेंगे और एक आलम तक आपका पैगाम पहुँचेगा इन श हमारे जो तफसील है मैं पहले आपकी खदमत में अर्ज कर दूँ आपको ताकि अभी से तैयार हो जाए कि आज हम क्या क्या सेगमेंट आपके लिए रखते हैं तो सबसे पहले आज का वजीफ़ा हम मौलाना से दरियात करेंगे उसके बाद आपके कुछ शरी सवाल उनके जवाब मौलाना हमें मरहमत फरमाएँगे और इसके बाद आप आज की बात में हमारे दो मेहमान तशीफ़ लाएंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डॉक्टर मुनम साबिर और मोहतरम अली एजाज़ ये हमें स्मोग जो इस वक्त बहुत बड़ा मसला है उसके हवाले से बताएंगे इसकी वजूहत और इससे बचने के लिए हमें जो तरीका इख्तियार करना है वो आपके लिए आपके प्यारों के लिए यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम नात रसूल मकबूल कहिए ना न सल्ला वसल्लम ले फ़ौर रहमतें नाजिल हो गई और इस्पत लाला छीना साहब हमें नात सुनाएंगे और इसके साथ साथ आपका बड़ा ही फेवरेट हिस्सा प्रोग्राम में हमारे जो हम आपकी ख़दमत पेश करते हैं वो है ख्वाबों की तबीर ख़्वाब देखे जाते हैं कभी बंद आँखों से कभी खुली आँखों से लेकिन वो जो नींद के आलम में यहाँ पर सवालात हमसे होते हैं कि नींद के आलम में जो ख़्वाब हम देखते हैं उनकी कैफियात क्या है तो बड़े ही प्यारे हमारे दोस्त मोहतरम इब्ने यूसुफ़ अल अलमुबिर तशीफ लाते हैं और वो आ, देखने में भी ख़ुबरू हैं और बात भी बड़ी प्यारी करते हैं तो ये आ, आज के प्रोग्राम की तफसील है अब मैं आता हूँ आज के वजीफे की तरफ और मौलाना असद महमूद सलफ़ी साहब जो एक दाइ दीन है और जिसके साथ साथ हम देखते हैं आपको आपकी जो खिताबत का शहरा है वो मैं समझता हूँ मोबाइल ना होगा कि एक बहुत बड़े पैमाने पर और जहाँ आप खुतबा एक फरमाते हैं वो अपने शहर की सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे बड़ा इज्तम अल्लाह ताला आपको अता फरमाता है जहाँ आपकी बात होती है मैं गुज़ारिश करता हूँ मौलाना आज का जो वजीफा है हमारा वजीफ़ा यानी अपनी अमली ज़िंदगी में ये पढ़ना अल्लाह से ताल्लुक़ और यहाँ आप जानते हैं कि आप पैगाम पर शफकत करने वालों में से हैं कुरान सनत की रोशनी में जो औज़ाफ जो वजायफ़ हैं औरद हैं वो हम पेश करते हैं तो आपसे इतमास करता हूँ आज का वजीफा प्रशात फ़ाई जजाकल्ला खैर अलहमद ला वला तो वसलाम अलारफ लम्बिया वाली वही मन वाला महतरम डॉक्टर साहब हम पे ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और फ़ज़ल है कि अल्लाह ने जो नबी और रसूल हमें अता किए वो सारे अम्बिया से मुनफरद हैं वो हमारी ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करते हैं और खसूस इंसान दुनिया में रहता हुआ हमें हमेशा आजमाइश में होता है कभी वो आसानी में कभी तंगी में कभी मामल सेहत के कभी बीमारी ये सारे मामल होते हैं हमारी ज़िंदगी का कोई भी मसला ऐसा नहीं जिसमें रसूल सल्ला वसम ने हमारी रहनुमाई ना फरमाई हो रहनुमाई भी कामिल थे जी अलहमदल् रहनुमाई ऐसी फरमाई कि जिसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है यानी वो ऐसी परफेक्ट है कि इंसान अगर उसे आजमाना भी चाहे तो अलहदुल्ल उस कभी भी वो ऐसा नहीं शक और शुबे की बात नहीं होगी जो आपने फरमाया वैसे ही होगा उसमें आज के वजीफे के तौर पर जो मैंने अर्ज करना है वो सूरत-ul-फातिहा है इस सूरत को सूरत-ul-शिफ़ा भी कहते हैं सूरत अल इमरान के आगाज़ में अल्लाह रबुल्ज़त इस सूरत को किताब कहते हैं ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके इतने फवाद हैं कि अगर शायद मुझ जैसा कम तालब इलम ज़िंदगी भर भी इसके फ़जाइल को बयान करता रहे तो उसकी ज़िंदगी कम है इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है कलाम है जी उसमें चंद एक बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा एक तो वो बात है जो रसूल सल्ला वसम के ज़माना मुबारक में हुई और इसका तस्करा नबी करीम सल्ला वसलम के सामने हुआ सही मुस्लिम के अंदर रवायत हज़रत अबू सीद खुदरी रज़ी अल्लाह तु करते हैं कि एक मरतबा हम एक सफर में थे अरबों में रवाज ये था कि जब कोई मुसाफिर किसी जगह पर ठहरते तो उस बस्ती के लोग उनकी मेहमान नवाजी करते हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तु कहते हैं जब हम इस सफ़र में थे तो एक बस्ती में आए तो हमने उनसे तकाजा भी था और आदाब भी थे कि वो हमारी मेहमान नवाजी करते लेकिन उन्होंने ना की हमने तलब भी की तो लेकिन उन्होंने ना की अल्लाह की कुदरत यह कि उस कबीले के सरदार को बिछू ने डस लिया जी और उस उसकी तकलीफ इतनी ज़बरदस्त थी कि वो उसे चंद पल भी आराम नहीं आ रहा था उन्होंने कोशिश भी की आखिर वो कहने लगे ये मुसाफिर लोग हैं शायद इसमें कोई ऐसा तबीब हो जो हमारी इस बीमारी का इलाज हमें बता दे जी, तो वो इनके पास आए आके उन्होंने कहा कि हमारे सरदार को बिछू ने डस लिया है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है कोई ऐसा इलाज है तो एक सहाबी ने कहा हाँ मेरे पास इलाज है लेकिन चूंकि आपने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया इसलिए मैं इलाज इस शर्त पे करूँगा कि मैं इतनी बकरियाँ इवज में लूंगा जी ठीक तो उन्होंने कहा हमें मंजूर है से इनकार करने वाले हाँ जी बकरियाँ देने पर तैयार हो गए अपनी मुसीबत पे तो उस सहाबी ने सूरत फातिहा पढ़ के उसको दम किया अल्लाह की शान देखें कि उसी उसकी तकलीफ रफा हो गई और Allah, वो बिल्कुल तंदरुस्त हो गया उनके लिए बड़ी ताज्जब की बात थी कि कोई दवा नहीं खिलाई कोई इंजेक्शन नहीं लगाया कोई जराहत नहीं की ये दम क्या हो गया ये एक बहुत बड़ा मोजा था उनके सामने अब जब बकरियां ले ली तो कुछ लोगों ने ताज्जब किया ये लेनी नहीं चाहिए थी वो कहने लगे नहीं जी उन्होंने कहा फिर ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करेंगे जब ये काफिला मदीना मुनवरा पहुंचा नबी करीम की ख़िदमत में हाजिर हुए तो लोगों ने उस साहबी की शिकायत की अपनी तरफ से कि इन्होंने ये काम किया है आपने फरमाया तुम्हें कैसे पता चला कि इसका इतना असर है उसने कहा जी मैंने आपकी जुबान से सुना था कि यह सूरत तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा था और ये बात डॉक्टर साहब में रखें कि अल्लाह हरबुल्ज़त कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाते हैं सिर्फ क़लिमात की अदायगी काफ़ी नहीं होती हुँ, हुँ, असल हुँ। में तवक्ल होता है वमईवल आल्लासबूल जब इंसान अल्लाह पे भरोसा करता है ना फिर वो काफी हो जाता है बेश तो उस सहाबी का अल्लाह पे इतना एतमाद था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताहरा पे इतना भरोसा था कि उसने कहा मुमकिन ही नहीं ये बात ना हो अल्लाह तो ने बाव उसकी ये बात को पूरा भी किया और उसे शफा भी दे दी और इसके अलावा डॉक्टर साहब मैं अपनी बात आपको अर्ज करूं कि आज के दौर में मैंने इस बात का कई दफा तजर्बा किया है अगर बच्चों को अमूमन होता है कि पेट लूज हो जाते हैं जी जी। और उसका हल नहीं नजर आता डॉक्टर या तबीब कोई भी उसका हल कई कई दिनों तक नहीं होता और बच्चा चूंकि कमजोर होता है और नाजुक फूल है ना जी नाजुक फूल है जल्दी जल्दी तो मुरझा जाता है मुरझा जाता है तो पेट लूज होने से सख्त कमजोरी हो जाती है हाँ। मैंने कई दफा इस बात का तजर्बा किया अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें और आमीन पे ख़त्म करें जी 21 मरतबा उसके पेड़ पे हाथ रख के ये अल्लाह इन अगर वो अल्लाह पे भरोसा करके ये काम करता है तो उसी वक़्त उसके बाद उसे तकलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं रहे अल्ला हुआ। अल्ला हुआ। इसी तरह डॉक्टर साहब ये भी मेरा अपना तजर्बा है हम जिम्मेदार फैमिली से ताल्लक रखते हैं हमारे घर में अमूमन कोई ना कोई जानवर दूध देने वाला होता मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से होश संभाला मैं अपने वालिद साहब को ये काम नहीं करने मैं खुद करता था ठीक तो बजात जानवर जो है ना वो सरकश हो जाता है दूध नहीं देता तो गुस्सा भी करता है गुस्सा भी, भी आता है और बात गुस्से में इंसान उसे मारता भी है तो मैंने अपने वालद मोहतरम रही को देखा कि जब भी कोई ऐसा मामला होता ना तो वो फ़ौर कहते कि आप बेटे पीछे हट जाओ उसकी कमर पे हाथ फेरते और जो सूरत फातिहा पढ़ के उसके नीचे बैठ जाते और ऐसे होता था जैसे उसे सहर हो गया है और वो दूध दो, दो, दो लेते और मैं चूंकि छोटा था सट पटा जाता ये क्या करते क्या है मैंने फिर महसूस करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि आप सूरत फातिहा पढ़ के बैठते हैं इसी तरह डॉक्टर साहब मैंने एक मरतबा YouTube पे एक क्लिप देखा जी। एक बदवी ऊंट जो है ना मादा ऊंट बच्चा पैदा करने की पोजीशन में थी जी। लेकिन वो सख्त अजीय और करब में थी।, जी थी वो तड़प रही थी ऐसे कि जैसे उसकी जान निकल जाएगी और उसका मालिक पास खड़े होके अल्लाह से अल्तजा कर रहा था अचानक ना मालूम उसके जहन में क्या ख़याल आया मैंने उसका तबादला ख़्याल तो नहीं कर सका मैंने वो यूट्यूब पर क्लिप देखा, देखा।, 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 देखा। डॉक्टर साहब उसने सूरत फातह पढ़नी शुरू कर दी बिसमिल्ला से शुरू की उसे पढ़ता गया अब मैं आपको तादाद तो नहीं बता सकता कि क्योंकि मुझे ये याद नहीं है मैं वो मंजर को देखते हुए इतना महव था उतने नामालूम कितनी दफ़ा पढ़ी बिल आखिर वो बड़े सुकून के साथ उसने बच्चे को जना जी और ये सारा मामला हुआ। तो आज के इस मजलस में हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो क़ुरान करीम की माँ के सूरत में हमें सूरत दी है ये एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है बहुत बड़ा दम है इंसान खुद करे वालद है तो औलाद को करे औलाद है तो माँ बाप को करे किसी भी तकलीफ में इसे किया जाए सबब आसानी बार बार आयात हो रही है तो आ, आ, कोई बात आ, तो है ना सर कि इसको एक सौ चौदह सूरतों में कुरान मजीद के अंदर सबसे पहले रख दिया सबसे पहले रखती है सबसे पहले रख दिया कोई बात तो है ना कि इसके बगैर नमाज की तकमील नहीं होती फिर इमसरीन कहते हैं ये किताब है कुरान करीम का मुकदमा मुकदमा वो होता है जिसमें सारा खुलासा आ जाता है जी बिल्कुं, जी बिल्कुं। तो अल्लाह रब्लत ने एक बेहतरीन अल्लाह की तारीफ से शुरू होती है अल्लाह अल्ला अल्ला से अल्लाह रब्ज़त खुद हर बात का जवाब देती है जी। कि जब इंसान कहता है अल्हदल्ह रबालमीन फ़काल अल्लाह अज़ा वजल् हमदनी अब्दी जब वो कहता है अरमानरहीम फ़ाल अल्लाजल् असनालिया जब बंदा कहता है अर मालिकी मद्दीन फकाल आजा वह मजदा नहीं अबी मेरे बंदे ने मेरी हमद की मेरे हम बंदे ने मेरी सना की थना मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी का इजहार किया जब बंदा अल्लाह को यकीन दिलाता है ईया कनाबुआ या कस्ता में सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ मदद भी सिर्फ तुझसे चाहता हूँ फिर अल्लाह बड़ी खूबसूरत बात है अल्लाह कहते हैं हाजा ये मेरे और बंदे के दरियान आदि आदि थी मेरा बंदे तो बात करता था मैं तेरी बात सुनता था सुनता था या तेरी बात का जवाब देता था जी अब तू मांग मुझसे क्या हाँ। है। और फिर तलब तलब भी बता दी। तलब भी बता दी। भी बता दी दी होना क्या है। चाहिए यानी ये, ये इंसान तो अपने लिए सीधा रास्ता मांगता है लेकिन जब इसे दम के तौर पे करेगा वो सीधा रास्ता क्या है बीमारी से शफा का मुसीबत से आसानी का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के मामला को आसान फरमाए इकबाल ने कहा था ना खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, जबाँ तू है यकीन पैदा करें गाफिल के मगलूब गुमा तू है ये वही शुरफ आते है और आप इसके आज के भी असरात बता रहे हैं, ये कयामत तक के लिए है बात यकीन की है दिल में यकीन रखिए इसको पढ़िए और शिफा हासिल कीजिए शर् सवाल हमारे सर कुछ जो आते हैं हमें इस प्रोग्राम के लिए और बहुत ज़्यादा सवाल मौजूद थे लेकिन हमने कुछ तकरार खत्म की और कुछ उसमें से निकाले हैं जो कि फाला आम के लिए तो so, मैं चाहूँगा कि एक सवाल हमारे यहाँ होता है आमतौर पर ये तीन चार थे हमने एक उसको जमा किया कि विरासत में औरत को मर्द के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलता है क्या ये इंसाफ के मुनाफी नहीं है डॉक्टर साहब इस चीज़ के दो तीन पहलु हैं समझने के जी सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया का दस्तूर है कि हर मुलक में हर कौम के अंदर एक ऐसी जो है टॉप की कुव्वत होती है जो फैसला करती है जिसके फैसले पे कोई कदगन नहीं लगा सकता थी। जिस तरह आज हमारे माशरे में अदलिया है सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करता है किसी को उसके खिलाफ इसतक नहीं है कि बात करे सबसे पहली बात अहले ईमान के लिए तो ये है कि ये जो वरासत के मामलात हैं इसका फैसला अल्लाह ने किया है ठीक और इसमें यानी इसकी तशरी भी किसी को नहीं दी बल्कि कुरान में खुद की है हालांकि कुरान में हुक्म आता है उसकी तफसील नहीं आती लेकिन वरासत का मामला ऐसा है जिसका हुक्म भी और तफसील दोनों आती है अब यहाँ पे अल्लाह बात का आगाज कैसे करते हैं युसीकुम अल्लाह हाँ। फी औलादकुम लिद ذکری मिसल हजिल अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के मामले में कि दो औरतों के बराबर एक मर्द को है। यार खातून रखी गई हाँ जी कि दो औरतें हैं तो एक मर्द एक मर्द बराबर है और इसके बाद जब यह आयत ख़त्म होती है तो फ़रमाया फ़रीज़ा तमिन ये अल्लाह की तरफ़ से फरीज़ा है अलीम हकीम अल्लाह तुमसे बहुत बेहतर जानता है कि क्या सही है क्या गलत है कौन सी इंसाफ़ है और कौन सी बेइंसाफ़ी है और उसका कोई भी काम हिकमत से ख़ाली नहीं है बेशक पहली बात तो ये बहसीत मुसलमान पहली बात हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो अल्लाह का हुक्म है उसी के अंदर खैर है उसमें उसके अंदर बेअतदाली या ना इंसाफ़ी नहीं हो सकती नंबर दो डॉक्टर साहब अरब के माशरे में जो मश्रिक थे इस्लाम से पहले उनका तर्ज अमल क्या था वो औरत को उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं देते थे जी वहाँ सिर्फ मर्द का और वो भी बड़े का हाँ यानी सिर्फ बड़े मर्द जो बालिग होते थे उनका हिस्सा होता था नाबालिग बच्चे और औरत का हिस्सा बिल्कुल नहीं होता था तो इस्लाम ने यहां पे अल्लाह का हुक्म नाजल हुआ जिस तरह मर्दों का हिस्सा मुकर्रर है इसी तरह औरतों का हिस्सा भी मुकर्रर है, है। ठीक। और इसी तरह नाबालिग बच्चों का हिस्सा भी मुकर्रर है जी। फिर अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे पास माल कम है या ज्यादा अल्लाह बेहतर जानता है तुम्हें हर सूरत जो अल्लाह ने हिस्से मुकर किए हैं उसके मुताबिक उसे देना है जी ठीक। इस्लाम ने दुनिया के अंदर जो गलत रवश थी मुशरकिन की उसको ख़त्म किया वो औरतों पे जुल्म करते थे उन्हें कुछ भी नहीं देते थे इस्लाम ने इनका बाकायदा हिस्सा मुकर किया जी। आज भी बरतानिया दुनिया का एक महजब मलक समझा जाता है वहाँ वरासत जब मुंतकिल होती है औलाद में तो सिर्फ बड़े बेटे को होती है सारी औलाद को नहीं होती उसमें छोटे यानी बह भाइयों को भी नहीं होती बहनों को भी नहीं होती जी। हम पे वो लोग इतराज करते हैं या हमारे वो उस दीन पे वो लोग इतराज करते हैं जो खुद औरत को कुछ नहीं देते ये तो अभी मौजूद है अब अगर इस बात को हम तस्लीम भी कर लें के लो जी उसका आधा क्यों उसका पूरा क्यों याद रखें हमेशा औरत को आधा नहीं मिलता जी। उस वक्त आधा मिलता है जब उसके साथ उसके साथ भाई भी हैं है। अब यहाँ पे औरत को आधा देना ना इंसाफी इसलिए नहीं है कि भाई को जिम्मेदार और कफील बनाया है जो माशी जिम्मेदारियां हैं मर्द की वो सारी की सारी मर्द हैं जी औरत के ऊपर कफालत की जिम्मेदारी कोई नहीं है उसे अगर पचास पैसे मिले हैं तो उसके पचास के पचास महफूज हैं और वो उसी के हैं उसी के हैं बिल्कुल ठीक। और जिसके पास रुपया है उसे कहा है तुम अपने जेरे कफालत चाहे वो बहन है बीवी है बेटी है जो भी है उसे उस पे तुमने खर्च करना है वो सौ का सौ भी खर्च कर ले तो वह कफालत से नहीं निकलता तो इस तरह फायदा किसको हुआ जी खुत के लिए। इसलिए ये बात और इसी तरह अगर एक शख्स उसका औरत फौत होती है या मर्द फौत होता है जी, उसका एक भाई है उसकी एक बेटी है जी, और उसकी माँ है तो उनको हिस्सा अगर देखा जाए तो ये 24 पे तकसीम होगा जी जो भाई है जो माँ है और जो खामद है या बीवी है उन्हें कम हिस्सा मिल, मिल रहा है किसी को चौथा हिस्सा मिल रहा है किसी को छठा हिस्सा मिल रहा है लेकिन उस बेटी अकेली को बारवा बारह हिस्से मिल रहे हैं बारह हिस्से उसको मिल रहे हैं उसको मिल रहे हैं। ठीक। इसी तरह अगर बहन है तो उसको दूसरे रिश्तों के मुकाबले में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उनके मुकाबिल ऐसा मर्द नहीं है जो उनकी कफालत करे वहां उन्हें ज्यादा दिया गया तो ये अल्लाह ने हालात को देखते हुए हिस्सों को मुकर किया जाए ना जी जो कि है बदकिस यह, यह है कि इसके मुतालिक बहुत कम मालूम होती नहीं है नहीं दूसरी बात ये भी है ना तवज्जो होने की हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इन मामला को हल करना चाहते हैं अब देखें हमारे माशरे में भी बेशक हम मुस्लिम माशरे में रहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं करते कि ये हमारी प्रॉपर्टी तकसीम ना हो जाए या कुरान से शादी का भी एक कही, कही, ये, पर... ये तो एक गैर ही ना आ, गलत कंसेप्ट बाज लोग शादी करते शादी ही नहीं, नहीं है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बटे ना दूसरे खानदान में फिर डॉक्टर साहब ये भी है अब एक बेटी उसे जवान करके पाला और दूसरे घर में दे दिया अब वो इस खानदान की फर्द नहीं है उस खानदान का फर्द मेंबर बन गई है ठीक। इसके बावजूद कि माँ बाप ने सारा कुछ करके दूसरे खानदान में दे दिया उसका एक अलग खानदान बन गया उसके लिए अब सारा कुछ वही है उसकी औलाद उसके ससुराल उसका आमत इसके बावजूद इस्लाम ने उसे छोड़ा नहीं है इस्लाम ने उसकी सरप्रस्ती की है एक सवाल और वाना ये भी ख़ीन के हवाले से इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम में ख़वान का बुनियादी किरदार है खातान ये ज़िम्मेदारी कैसे अदा करे जबकि कुछ खातन मुलाजमत पेशा या माशरती ज़िम्मेदारियाँ भी अदा कर रही होती डॉक्टर साहब ये एक फ़ितरत है कि जो भी इंसान कोई चीज़ बनाता है ना जी उससे क्या काम लेना है बनाने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता जी बिल्कुल इसी तरह इंसान की तखलीक अल्लाह ने की है जी। अल्लाह ने चार चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ से बनाई हैं जी नंबर एक कलम ये अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से बनाया एक अरश जिस पे अल्लाह इज़्ज़त मुस्तवी है अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया नंबर तीन इंसान को अपने हाथ से बनाया नंबर थी। थी। चार अल्लाह ने जन्नत अदन और उसकी जो भी जरखेजियां हैं खूबसूरतियां हैं वो अपने हाथ से बनाए अब जिस अल्लाह ने इंसान को बनाया है ना उसे ज्यादा इलम है हमसे भी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी क्या है जी ठीक। सबसे पहले जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझ लेंगे जी। तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी आगे मामला करने की मर्द पे अल्लाह ने दो जिम्मेदारियां नंबर एक मर्द अपने खानदान का कफील होता है जी ठीक, ये जिम्मेदारी है उसकी दूसरा उसका मुहाफिज होता है उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस पर है यह है मर्द का जिम्मा तो हिफाजत ये दोनों बातें अगर कोई शख्स इससे रू गर्दानी करता है तो वह अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा इसी तरह खातून की दो जिम्मेदारियां हैं नंबर एक कि नस्ल इंसानी की बका के लिए अल्लाह ने इसे पैदा किया जी ठीक दूसरा नस्ल इंसानी की तरबियत के लिए इसे पैदा किया और तरबियत उसकी जो है वो बिल्कुल ठीक ये दोनों चीज़ें औरत की ज़िम्मेदारी हैं जी ठीक अगर औरत अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती है तो फिर तो नस्ल इंसानी भी महफूज होती है और नस्ल इंसानी की तरबियत भी होती है डॉक्टर साहब आप यहां में एक बात अर्ज कर दो किसी तो पे ताना नहीं है जिन बच्चों ने माओ से तरबियत नहीं ना ली होती जिनकी नर्सरी या चिल्ड्रन होम में तरबियत हुई होती है माओ की छाओं से जो अलग रहे अलग रहे वो कभी भी इंसानियत के मेराज पे नहीं पहुंच सकते मुकम्मल नहीं होती शख्स कभी भी नहीं ठीक मैं एक अर्ज करूं कि मेरे अजीजों में एक नौजवान है जिसे मैं जानता हूँ वो एक बहुत बड़ी मिल एम डी है मैनेजिंग डायरेक्टर है जी। उसके नीचे तकरीबन हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं उसके वालदे जो है उसकी पैदाइश के फ़ौर बाद उनकी आलहदगी हो गई अच्छा अब वो बाल बचड़दार भी है और एक बहुत बड़ा इदारा भी चला रहा है लेकिन चूंकि वो माँ की मोहब्बत और तरबीयत नहीं मिली वो आज भी जब अपनी माँ को मिलने जाता है ना जिस तरह दो चार पाँच साल का बच्चा माँ के गोद में सर रख देता है ना, कि उसे मोहब्बत और आगोश हुँ। मिले हुँ। वो आज भी वो ढूंढता है माँ के गोद में अल्लाह और इसी तरह डॉक्टर साहब आपने अभी चंद दिन पहले क्रिकेट का एक मैच हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जिसने टॉप किया जी अब वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं और वो अपने आप को महजब भी कहते हैं लेकिन इस्लाम की बात नहीं करता सिर्फ दुनियावी तरबियत की जब वो जीते तो उन्होंने क्या किया शायद आपने वो क्लिप देखा होगा उन्होंने शराब को उस शख्स के जूते में डाला घर में डाला जो जिसकी वजह से मैच जीते थे और अपने मुंह में उंडेलने डेलने लगे अब माँ अपने बच्चे की कभी ऐसी तरबियत नहीं करेगी माँ मा हमेशा अपने बच्चे को अखलाक अच्छे सिखाएगी और हम ये देखते हैं बाज माएं खुद भी अगर अच्छे किरदार की नहीं है तो अपने बच्चों के लिए अच्छा किरदार ढूंढती है जी ठीक पहली बात तो ये है। जैसे भी वो चाहते हैं हमारे फूल अच्छे बाग में खिले अच्छे, अच्छे खुशबू इनकी अच्छी हो ठीक दूसरी बात है अब मुसलमान माँ मुसलमान औरत इसके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन फरमाया जब तुम अपने बच्चे यानी रिश्ता ढूंढते हो तो चार चीजें देखते हो जी नंबर एक हसब नसब नंबर दो खूबसूरती नंबर तीन माल दौलत नंबर चार दीन फिर आपने तीन दफ़ा फरमाया तुम्हारे माँ तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए दीन को तरजीह दिया करो हाँ प्रायरिटी में ये ऊपर होगा ऊपर ये आएगा क्यों? कि दीन एक इंसान की ऐसी तरबियत करती है कि वो अखलाक की मेराज पे पहुँचता है जो खातन <coughs> पे पेशा हैं वक्त बहुत सारा वहाँ पर जो ठीक मुलाजुमत सही जगहों पर जा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो मुतासर होता है जी डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनसे लोग बहुत सा फ़ायदा उठाते हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं फ़ायदा उठा सकती और जो होम लेडी होती हैं उनकी औलादें बहुत बुलंदियों पर जाती हैं जो ख़वान इस इस्लाम बाज़ मुलाजमत से मना नहीं करता दी दी। क्योंकि हर मुलाजमत की इजाज़त भी नहीं देता दी दी। लेकिन बाज़ मुलाजमत जो इस्लाम के दायरे में रह के की जाए तो उसमें इस्लाम मना भी नहीं करता ये तालीम ये, सारे ये सारे कुछ के भी डॉक्टर साहब हो जिन जो इस्लाम के दायरे में रह के मुलाजमत की जाए उससे इस्लाम मना नहीं करता लेकिन ये अंडरस्टूड है थी थी। कि जो माँ सारा दिन बाहर गुजार के आएगी उसके बच्चे अच्छी तरबियत कभी नहीं ले सकेंगे जिनको दूसरों ने कुछ पढ़ाना है या लिखाना है जो माँ के अंदर इखलास है वो दूसरों के अंदर नहीं हो सकता कोई ऐसा तरीका जरूरत भी होती है हम पूरी आबादी को घरों में नहीं बिठा सकते आमतौर पर एक बात होती है तो वो जहाँ ख़वात की ज़रूरत है जो आप फरमा रहे हैं तालीम के मैदान में तब के मैदान में जहाँ बहुत ही जरूरी ज़रूरत होती है खातान की वहाँ जाना भी है उन्होंने कोई ऐसा आप फरमाइए कि उनके लिए आसानी हो जाए डॉक्टर साहब आसानी देखें ये एक फ़ितरती बात है कि जब रात हो तो उसी में रोशनी नहीं हो सकती सूरज दी नहीं दी निकल दी सकता दी तो जब इंसान ने ऐसा काम करना है उसे दूसरे मामले की कुर्बानी देनी पड़ेगी लेकिन जहाँ तक मुमकिन है कि उन आ, माओं को उन खवातीन को जो किसी पेशे के साथ मुंसलिक हैं उन्हें तरजीह उसे नहीं अपनी औलाद को देनी चाहिए क्या ऐसी सूरत मुमकिन है कि छोटे बच्चे जब हों तो जरा उनको ज्यादा वक्त दिया जाए जहाँ बड़े बच्चे हैं जी अपने आप को देखभाल सकते हैं वो ज़रा इस तरफ जी तो बच्चा डॉक्टर साहब बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि माँ के मुतिक हम अमूमी तौर पर एक लफज सुनते हैं माहत से लेकर लाहत तक जी जी माहत क्या है माँ की गोद माँ की गोद लेकिन इस्लाम हमें बतलाता है कि माँ की तरबियत गोद से नहीं उसके पेट से उसके से शुरू हो जाती बेशक।, है। बेशक। एक दफ़ा ये नेशनल जोग्राफिक चैनल है जी जी। उस पर उन्होंने एक वीडियो दिखा रहे थे कि एक माँ जो हामला थी उसके पेट में बच्चा है उसकी तस्वीर दिखा रहे थे अब वो म्यूजिक लगा हुआ है और माँ उस म्यूजिक पे थरक रही है और उसके पेट के अंदर बच्चे की हरकत और भी वही थी जो मां की अब ये सोच के मैं ये देख के मैं सोच में पड़ गया कि अब तो ये एक जदीद जमाना है अल्ट्रासाउंड आ गया जी, जी। और तहकीक रिसर्च हो गई पहली माँओं को किसने बताया था कि जब उनके हमल शुरू होते उनकी जिंदगी बदल जाती Allah, Allah. उनके वजायफ उनकी नमाज के औकात वो मांगना। मांगना चीजें तो हो थी जो बच्चे पे असरअंदाज होती आसमान यूबी और खालिद जैसे बेटे तो फिर ऐसे ही पैदा पैदा हो अच्छा ये फरमाइए ये बात भी ना खत्म होने वाली है बार बार डॉक्टर साहब मैं एक छोटी सी बात अरज कर दूँ अगर फर्माए. आप मुझे इजाज़त मरमत नबी करीम का एक फरमान आगे बढ़ाते हैं आपने फरमाया मेरी माँ आमना से लेकर मेरी माँ हब्बा तक कभी किसी ने कोई बदाखला की नहीं किया माओ की इसमत जो है नस्ल इंसानी की बका हिफाजत करती है बेशक बेशक और अगर हम औलादों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो ना भी दे सकें तो अपनी तो बड़ी मरूफ बात मैं कंधे मुकर के तौर पर अपने नाजन के लिए कि नपोलियन बोना पार्ट बहुत बड़ा फातः बड़ा नाम उसने कहा कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कॉम दूँगा अल्लाह ये ये सिलसिला तो है इस्लामी खेल खेल का आजकल गलगला और बहुत से खेल हमारे यहाँ तो क्या इसमें हम तकसीम करेंगे सवाल आया कि इस्लामी खेल कौन से हैं और क्या हम खेलों को इस्लामी और गैर इस्लामी में तकसीम कर सकते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है इस्लाम के बुनियादी खेल जो हैं जी वो जिनका तयन रसूल ने फरमाया था सल्ला वसलम वो इस तरह है आपने पैराकी जी घुड़सवारी दौड़ जी वैसे पैदल जॉगिंग या दौड़ जो होती है ये नेजाबाजी ये चीजें या वो एक्सरसाइज जिससे इंसान के जिसम में कुव्वत आती है जी ठीक, ये इस्लामी खेल भी फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वही मैं अर्ज किया है ना जी उसमें बहुत कुछ आ जाता जी जी है जी जी। कि जिसमें इंसानी जिस्म में कुव्वत आती है क्योंकि कवी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है जी तो इसलिए इस्लाम ऐसी गेम्स ऐसी एक्सरसाइज और ऐसी जो है खेलें उनकी इजाज़त देता है कि जिसके इंसान के जिसम में क़्वत आए और वो अपनी क़्वत से अपनी कौम अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कुछ कर सकते माना मैं जब ये देखता हूँ उसको लेकर मामला और जो आपने फरमाया लगता है ये सारी जिहात की तैयारी के लिए है ये एक्सरसाइज जितनी भी हैं डॉक्टर साहब जिहाद भी ये सबसे अवलिन है जी, लेकिन एक तंदरुस्त आदमी एक कवि आदमी अपनी कौम के लिए अपने के, के लिए, अपने खानदान के लिए अच्छा किरदार अदा कर सकता है।, है, एक कमजोर आदमी की नस्बत ठीक है कुछ गेमें ऐसी हैं जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं इस्लाम ने उनकी ममानियत की है मसला कबूतरबाजी है जब ये कबूतर उड़ाए जाते हैं वो इतना महब होता है अगर उसके कान में ये डालो ना कि तुम्हारा फलाम फौत हो गया है तो वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगा से अपने गिरने की खबर भी नहीं होती हाँ तो वो जो है ना अक्ष मंदिर से लोग भी थे हाँ जी वो उसकी तरफ इसी तरह शतरंज है चौसर है नर्द है इसी तरह नर्द चौसर जिस तरह आजकल ताश है बिलियर्ड है ये चीज़ें वक्त का हर ऐसी गेम डॉक्टर साहब जी जो इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देती है अल्लाह जो फराइज से गाफिल कर देती है इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता जी ठीक और हर वो गेम जो इंसान की सेहत उसकी जहनी नशो नुमा के फ़ायदे में है जी इस्लाम उसकी इजाजत देता है जी ठीक अब हमने देखना यह है कि कौन सी गेम इसका फैसला हम कर लें देखिए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया स्टैंडर्ड्स तय कर लिए जाए फिर उन पर गेम्स को देख लिया हाँ जी आपने आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह बुराई क्या है जी तो आपने लिस्ट बना के नहीं दी थी आपने फरमाया हर वो बुरी चीज है जो तेरे दिल को खटके और तू समझे के लोगों को इसको पता ना चले हाँ। इसी तरह जो हम गेम हम खेल रहे हैं उसके फवायद क्या है मेरे लिए के लिए जी तो अगर तो उसके फवायद हैं तो वो तो ठीक है तो अगर कोई उसका फायदा ही नहीं है या उसका नुकसान हो रहा है नुकसान हो रहा है नहीं नुकसान ना भी हो रहा हो डॉक्टर साहब फायदा नहीं है फायदा ना होना भी तो नुकसान है देखो ना अनिल लगवी मोरिद मोमिन की अलामत ये बताई कि वो लगभ से अराज करता है ठीक फॉर एग्जाम्पल ये गुड्डी उड़ाना है क्या सेहत को है बल्कि इसके नुकसान इसके फायदे से बहुत ज्यादा है बच्चे आजकल बैठे वो पबजी गेम्स ये इससे इस वक्त का जिया और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये मुझे इसका इलम तो नहीं है लेकिन मैंने सुना हुआ है जी जी। ना मैंने देखी है ना मुझे इसके तरीके का पता है जी तो लेकिन मैंने जो सुना है वो ये है कि ये इंसान के जहन पे डायरेक्ट असरअंदाज होती है हुँ, हुँ। और बहुत से बच्चे जो हैं जहनी तंगी की वजह से खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं वो पढ़ा भी हमने, <coughs> हमने आए भी इस तरह की डांटा उसको बच्चे को मना किया उसने खुदकुशी कर ली हाँ जी इस तरह तो ये कोई भी, भी ऐसी चीज़ जो इंसानियत की नुकसान के लिए है वो ऐसी गेम कतान है ये एक सवाल और आपकी खिदत में पेश कर रहा हूँ कि दम की शर हैसियत आज वजीफा भी वही था हमारा इतफ़ाक से और दम करने के मख्लफ़ शरी तरीके क्या हैं जबकि आज कल दम के अजीब व गरीब तरीके इख्ती किए जा रहे हैं जो दम है इसके मुतल रसूल सल्ला वसलम के फरमुदात जो हैं वो हमारे सामने आया है जी। आपने बहुत सी बातों में हमें बतलाया लेकिन जब हम नबी करीम सलील वसलम की तलीमत का मताल करते हैं तो हमें एहसास होता है कि किसी से करवाने के बजाय आपने तरगीब यही दी है कि खुद करो अपने आप को अल्लाह मिसाल के तौर रात को सोते वक्त आपने फरमाया जब अपने बिस्तर पे जाओ तो मुआवजात पढ़ो मुआवजा तीन कुल कुल्लाहदेबल कुल, कुल उबेरबिन कुल नाश ये पढ़ो फिर अपने हाथ पे फूको फिर अपने पूरे जिसम पे फेरो अपने आप को आए इसी तरह से ही मुस्लिम की एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरहन व करहन किसी को तकलीफ है दर्द है चाहे वो जख्म की है या वो तकलीफ जो है किसी और सबब है दी दी। यानी किसी बीमारी की वजह से है आपने फरमाया अपना दायां हाथ ऊपर रखो तो फिर उसके बाद क्या करो तीन दफ़ा कहो बिसमिल्ला बसमिल्ल बसमिल्ला आरूजत वुदरती बिनशरमा अजीदो हाजिर सात दफ़ा ये पढ़ो जी डॉक्टर साहब कोई पेन किलर इंजेक्शन इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं देता जितनी जल्दी अल्लाह इस शुआन, बात शुआन। के सबब फायदा देता है और उस दर्द को रफा कर देता है जी, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अंडरस्टूड है कि नबी करीम ने दम करने का भी हुक्म दिया या आपने खुद भी किया जी जिस तरह के सदना हसनैन रज़ी अल्लामा

दम करना भी साबित है जी ठीक दम करवाना भी साबित है लेकिन उसमें ये ख्याल रखा जाएगा कि जो कलेम हैं वो कुरान और सुन्नत जी वही अर्ज अरज वो अर्ज वो अर्ज करने लगा सवाल ये था कि कुछ अजीब से भी भी लोग ऐसे हैं जी जी, तो भी जी, है। जी सर मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि वो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलेमात सिखलाए हैं जी उनके साथ दम करना यही इंसान की शफा का मौजब बनेगा जी ठीक है और इसमें ये बात है कि अगर ख़ुद करेगा इंसान जी और या उसका कोई अजीज़ उसे करेगा जी इन दोनों बातों में उसका तवक्कल अल्लाह पे बढ़ता है जी ठीक है कि मैंने अल्लाह से अल्तजा की मेरे रब ने मेरी अल्तजा को कबूल किया और मुझे, मुझे वा 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 अच्छा ये फरमाइए ज़रा मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चाह रहा हूँ क्या मैं अपने मंगेतर के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर सकती हूँ सवाल था मेरे जो आते हैं उनमें इस तरह से जी बर मेहरबानी इसका मालूम करने मेरा खान फरमाए और मेरे वालदे को इस बात का इलम नहीं है जी डॉक्टर साहब किसी भी मर्द या औरत का किसी के साथ रिश्ता तब कायम होता है जब निका निकाह हो जाता है सुबह अल्लाह निकाह से पहले वो सिर्फ नस्बत है जी ठीक कि वाले ने एक दूसरे बच्चे को बेटी के बाप ने या वालदेन ने उन्हें पसंद कर लिया उन्होंने उन्हें पसंद कर लिया अब यहाँ पे ये जो सेकुलर माशरे हैं या दीन बेजार लोग हैं या अपनी ख्वाहिश के पुजारी हैं वो कहते हैं जी पहले हम एक दूसरे को मिलें एक दूसरे के मिजाज को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हाँ जी। बड़े जवाद बने हुए हैं। हालांकि ये सारी की सारी खुबासत है जी ठीक क्योंकि रिश्ता कायम होने के बाद गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है और होती है रिश्ता जब नहीं होता फिर कोई गलती नजरअंदाज नहीं होती रिश्ता असल में इसमें निकाह है रिश्ता निकाह है निकाह से पहले ये कोई रिश्ता नहीं है जी ठीक जब और डॉक्टर साहब इसमें बहुत बड़ी कुबाहत यह है कि शैतान ऐसे तरीके से वर्गल आता है कि वो जब आपस में फ्रेंक होते हैं और फिर फ्रेंकनेस यहाँ तक पहुँचती है कि उनकी मुलाकातें होती हैं और निकाह से पहले वो गुनाह की आलूदगी में भी मुबतला हो सकते इसका है इसका इम्कान मौजूद है हमारे एक दोस्त कहा करते हैं मौलाना के सारियाँ गलां पहले ही कर रही हैं तो फिर बात ची रह गया गई रह गया तो ये जो एक चाशनी है उस त्लुक़ के बाद में जो जो नेचुरल है हाँ उसका ख्याल रखना ज़रूरी है एक सवाल ये कि बच्चों की परवरिश एक मुश्किल काम है ये बात सुनकर लोग कहते हैं मैं फिर शादी नहीं करनी तो ये रवैया कैसा है डॉक्टर साहब ये बच्चे जो हैं ये एक ऐसा फल है इनकी लज्जत जिसके पास होता है वही महसूस कर सकता है जी ठीक और जिसके पास है ही नहीं उसने वो फल चखा ही नहीं वो जितनी मर्जी बातें बना ले, वक़्त से पहले कोई बात करता रहे तो अलग बात है वगरना जब अल्लाह उलाद की नेमत अता करता है किसी को तो उसके लिए ही अपनी जान से ज़्यादा अपनी औलाद अजीज हो बड़ी मोहब्बत शफकत और आप देखें कि बच्चों के लिए सारी सारी रात माएँ और बाप जागते हैं तो इस पर कोई गुस्सा नहीं करता है मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि हमारे गुजर वाले के एक बुज़ुर्ग थे फोतो हो गए हैं वो एशियन चैम्बर ऑफ कमर्स के सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के भी गुजरा वाला के भी अल्लाह ने बड़ी इज्ज़त बख्शी और बड़े नेक आदमी अच्छे दिल के आदमी थे उलाद नहीं थी उन्होंने अपने जहनी तस्किन के लिए दो काम किए एक अस्पताल बनाया एक लड़कियों का स्कूल जामतुलब्नात बनाया वो कहते थे ये मेरी सौ से ज़्यादा बेटियां हैं जो वहाँ पढ़ाती थी ना ये मेरी बेटियां हैं और हस्पता ये गायनी का अस्पताल है गुजरा वाले में बहुत बड़ा तो कहते हैं ये भी मेरी बेटियां हैं लेकिन अमूमन वो एक बात करते थे कि मैं इतना कुछ करता हूँ इतना अल्लाह ने सार का सारा कुछ दिया हुआ है तो मैं किसके लिए करता हूँ ये वह हसरत और अफसोस सारी ज़िंदगी साथ रहा कि औलाद नहीं थी जी ठीक तो ये जो है ना ये बातें वो लोग करते हैं जो सिर्फ गुनाह की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं वगरना जो बंदा बालिग हो जाता है चाहे वो बेटी है या बेटा फितरतन अल्लाह ने उसे बना ही ऐसा दिया है कि उसकी चाहत है एक दूसरे के लिए बकाया नस्ल इंसानी डॉक्टर ये से 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 ये तो इंसान तो है, है ना जी।, जी। आपको याद होगा अब से कुछ साल पहले लाहौर चिड़ियाघर में एक रिछनी ने एक बच्चे को फाड़ दिया था तो उस पे नफसियात के डॉक्टर ने रिसर्च की थी तो उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि ये मादा है और इसे अलग रखा गया है नर से अलग और ये फितरती तकाजी न पूरे होने की वजह से इसके में चिड़चिड़ापन आया है जिसकी वजह से इसने बच्चे को हिला कर दिया है तो जो फितरती तकाजे हैं वो पूरे ही तब होते हैं जब ये मामला होगा जी बिल्कुल ठीक है तो या तो वो गुनाह की जिंदगी बसर करना चाहता है इसलिए कहता है मैं शादी नहीं करनी या उसमें है ही नक्स के वो इंसान ही नहीं है अपनी तकमील के लिए जरूरी है अपनी के लिए। के लिए जरूरी तो जब औलाद होती है फिर किसी माँ बाप के लिए ये मुश्किल नहीं है हाँ बाज़ लोग इस्लाम से दूरी की वजह से अफलाक के डर से अपने बच्चों को मार देते हैं या खुद खुद ही खुदकुशी कर लेते हैं हालांकि अल्लाह है ने यहाँ फरमाया वला फिर का नबी कुमर अपने आप को मारो मत तुम्हारा रब बड़ा रहीम है यानी हम अल्लाह से क्यों नहीं मांग लेते कि अल्लाह तुम मेरी सख्ती को आसानी में बदल दे और इसी तरह औलाद देने के लिए तैयार बैठा और डॉक्टर साहब औलाद जब होती है तो अपना रिजक खुद लेके आती है जी बेशक यानी पहले माँ बाप के पास वो कुछ नहीं होता जब औलाद होती है वो अपना रिजक लेके आए अंदा ने कहाँ से और बल्कि डॉक्टर साहब मैं खुद आपको अर्ज़ करूँ जी कि हम लोग जो है ना यानी मुतवसत लोग जो होते हैं इनके पास उतना ही होता है जितना वो खा सके जी।, जी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जब मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी थी मुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह ने किस तरीके से मुझे उनके सारे मामल अच्छे तरीके से हल किए जी। और जब भी कोई ऐसा मौका आता है यानी बच्चों की शादी का मामला आते हैं या खुदा न खास्ता उनकी तालीम का उनकी बीमारी का कोई मामला आता है अल्लाह ही पूरे करते हैं वो वहाँ देता है जहाँ से हम गुमान भी नहीं गुमान भी नहीं कर सकते पर... इसलिए किसी इंसान को इस बात पे नहीं घबराना चाहिए अल्लाह ने कहा अगर मैं तुम्हें रिजक दे सकता हूँ तो उन्हें भी दे सकता हूँ इसलिए इन ये कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह जो औलाद देता, अल्ला देता है अल्लाह जो औलाद देता है उसके मामला भी वो हमें देता है बहुत अगर है। हम उनकी तरबियत नहीं करते तो ये हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे अल्लाह हमें समझ आता है हमारा वो हम सारे देखेंगे इमाम बुखारी राम ने जो खिदात सर अंजाम दी है कहने वालों ने कहा कि बुखारी शरीफ़ कुरान मजीद के बाद एक किताब है जो किताबों में सही तरीन किताब है जो आपने ये ख़दमत सर अंजाम दी है और जो सरमा हदीस आपने जमा किया उम्मत के लिए कयामत तक के लिए महफूज किया उसकी जज़ा क्या है वो तो जानता है पूरी दुनिया के मुसलमान इमाम बुखारी का नाम आते ही अपने दिलों को झुकाते हैं और उनके लिए दुआएँ करते हैं आपकी हयात व ख़दात पर पैगाम ने एक तैयार किया है आइए उसे देखते हैं इमाम बुखारी रही फिलहदीस अबू अब्दुल्ला का नाम मोहम्मद बिन बिन इब्राहिम है इमाम बुखारी की विलादत तेरा शवाल एक सौ चौरानवे हिजरी के मुताबिक बीस जुलाई आठ सौ दस ईस्वी को मौजूदा उजबुकस्तान के शहर बुखारा में हुई इमाम बुखारी के बचपन में ही उनके वालि की वफ़ात हो गई और उनकी तरबियत उनकी वालदा ने की बचपन में ही इमाम बुखारी बिनाई जैसी अजीम नेमत से महरूम हो गए एक रात उनकी वालदा ने ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारी बकसरत दुआ की वजह से तुम्हारे बेटे की बिनाई लौटा दी है तहसील इल्म की काविशें इमाम बुखारी ने बचपन से शुरू कर दी थीं सिर्फ सोलह बरस की उम्र में उन्हें इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक और इमाम बकी के जुमला कुतुब हिफ़्स थीं इमाम बुखारी ने अहदीस मुबारक को जमा करने के लिए हिजाज शाम मिस्र, निशापुर बसरा कोफा और दीगर इलाकों का तवील सफ़र किया सिर्फ एक हदीस के लिए उन्होंने मीलों सफ़र तय किए इमाम बुखारी ने नामवर मुहदीसीन फोकहा समेत एक हज़ार अस्सी से कस्बे फैस किया इमाम बुखारी से तहसील हदीस करने वालों में इमाम मुस्लिम इमाम तिरमजी इबन ख़ुजैमा समेत हजारों की तादाद में थे इमाम बुखारी को अल्लाह ताला ने हाफि जैसी अजीम नेमत से नवाज़ा था लाखों अहदीस उन्हें सनद व मतन समेत याद थीं इमाम बुखारी को छः लाख अहादीस याद थीं इमाम बुखारी की बजाय शोहरत उनकी शोहरा आफाक किताब सही बुखारी है इस किताब में मोहम्मद फवाद अब्दुलबाकी के मुताबिक सात हजार पाँच सौ तिरानवे मसंद अहादीस हैं और इमाम बुखारी अपनी इस किताब में किसी भी हदीस को दर्ज करने से पहले इस्तखारा करते और दो रकत नफल पढ़ते थे सोलह बरस की मेहनत शाखा के बाद इमाम बुखारी ने अपनी इस किताब में सिर्फ सही अहदीस को जमा किया सही बुखारी बिल इतफ़ाक़ कुरान करीम के बाद सही तरीन किताब है सही बुखारी के अलावा इमाम बुखारी की दीगर मुसनफ़ात में अल अलदबुलमुफरत अ तफसरकबीर अ तारीख़ुल्कबीर अज़ोफ़ाकबीर और दीगर कुतुब शामिल हैं इमाम बुखारी ने समरकंद की एक बस्ती खुरतनक में ईद ईदालफितर की रात यकम शवाल दो सौ छप्पन हिजरी ब मुताबिकम सितम्बर आठ सौ सत्तर ईस्वी में वफ़ात पाई ना मोहतरम ये हमारी काविज थी आपने इमाम बुखारी रम की हयात खदमात पर पैगाम का बनाया पैकी देखा है आपको कैसा लगा यकीन आपको पसंद आया होगा अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिए ये सिलसिला जारी रहेगा और अब एक ब्रेक का वक्त हो रहा है लेकिन उससे पहले मैं बहुत शुक्रिया मोहतरम कारी साहब आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और आयात भई से यकीन रोशनी हासिल होती है मौरना आप त लाए और अभी मेरा जी नहीं भरा बहुत सी बातें और करने को जी चाहता है लेकिन वक्त से कौन कहे यार ज़रा आहिस्ता वक्त का दायरा मुकम्मल हुआ मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अपने नाज्रीन की तरफ से जिनके बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपने भारतना फ़रमाए और बिलखसूस जो आज का वजीफ़ा आपने बताया है अल्लाह तला आपको जज़ाय ख़ैर फरमाए नाजर मोहतरम हमारे प्रोग्राम ये जो सुबह की नशरियात हैं आप देखते हैं सुबह वतन के अनवान से इसका पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ है एक ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर के बाद दोबारा आपकी खदमत में हाजिर होंगे और मौजू बड़ा शानदार है आज इसको आपने ज़रूर देखना है बस वो जो रस्मन कहते हैं हम दिल से कहते हैं हमारे साथ रहिएगा एक ब्रेक इनशा